तो देखिए जहाँ बेटा डॉटेड लाइन आ जाती है कहाँ पर रखना है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ, पी एंड एफ, पी ए रखा है ए बी, रूल कौन सा लग रहा है फर्स्ट एंड फोर्थ, तो फर्स्ट में क्या था ये लाइन जाएगी पैरेलल और कहाँ से होकर जाती है फोकस से, और फोर्थ रूल बेटा क्या है पोल पर गया तो इस तरीके से फॉलो करता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए ध्यान समझिए लाइन कहीं कट नहीं होगी, इसको पीछे आपको एज्यूम करना पड़ेगा इस तरीके से, इसको पीछे लाइए जहाँ दोनों बच्चों क्रॉस करेंगे यहीं पर आपकी इमेज का फॉर्मेशन होगा यानी ए डैश बी डैश। अब ध्यान देखिए इससे बड़ी बन रही कि नहीं, ये देखो ए बी इतना छोटा, इमेज है इतनी बड़ी यानी कि मैग्नीफाइड। ओके बच्चों, तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा लेक्चर। अब इसमें एक चीज़ हम लोग और डिस्कस करना है कि इमेज फॉर्म बाई कॉन्वेक्स मिरर।